हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करके बताने वाला हूँ, जैसा कि मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हो भी पिक्सेट ऐप की मदद से ओनली। तो दोस्तों देर किस बात, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सिंपली आपको नॉर्मल फोटो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। दोस्तों इसको हम फोटो ओपन कर लेंगे अपने पिक्सेट ऐप के अंदर, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लेना दोस्तों। दोस्तों फाइनली हमारे पिक्सेट ऐप के ऊपर जैसा कि देख सकते हो और फोटो आ गए। दोस्तों पहला स्टेप में दोस्तों हम करना क्या है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना और आपको एक नीचे का AI इनहेंस का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। सिंपली इस पर टैप करके दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हमारा फोटो पे थोड़ा सा ये AI टूल वर्क कर रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि देख सकते हो मैंने फोटो पे AI टूल ने वर्क कर दिया, कुछ इस तरह से लाइटिंग एडजस्ट कर दिया, मतलब फोटो को HD में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो सिंपली यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और दूसरा स्टेप में मैं आपको बताऊंगा हेयर एडिटिंग कैसे कर रहा है। तो सिंपली दोस्तों फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ से आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सिंपली टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ब्रश और रेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ब्रश को सिलेक्ट करें दोस्तों, कुछ इस तरह से हेयर पे इसको अप्लाई कर लूँगा। जैसा कि देख सकते हो ये प्रोसेसिंग जब काम करेगा, जब आपका मोबाइल का डाटा ऑन होगा तो सिंपली मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और जैसा कि इस तरह का इंटरफेस देखने को आता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्टाइलिश हेयर जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से। AI हमारे सामने एक दो इमेज जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक। सो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो हमारे सामने दो इमेज आ गया। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहेगा मोर, सो मोर का ऑप्शन कुछ इस पर टैप कर देंगे। फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी दो और इमेज ऑटोमेटिक ही जनरेट हो चुके आ जाएगा। तो सिंपली थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो कुछ ये आ गया, तो सिंपली मैं फर्स्ट वाला एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं बताऊँगा किस तरह से इसको एडिट करना। तो सिंपली मैं यहाँ से आपको दोस्तों अपना कलर कपड़े का चेंज करना, सिंपली ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, अपने पर्सन के बॉडी पे कुछ इस तरह से इसको हम अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से मैं जैसा कि देख सकते हो आप भी अप्लाई कर लेना। आपको लिंक जो भी मैं पिक्सआर्ट यूज़ कर रहा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा। तो सिंपली होने के बाद फिर से यहाँ पे टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद फिर से हमारा यहाँ पर आएगा, तो मैं टी शर्ट दोस्तों कुछ इस तरह से इमेज जनरेट कर लेना है यहाँ से पेज आगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है डिज़ाइन, तो यहाँ से आप सो मोर वाले ऑप्शन पे एक बार और क्लिक करके यहाँ से और दो इमेज ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा हमारे सामने। तो वेट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का रिजल्ट मिलता है। मैंने लिखा है जैसा कि देख सकते हो हमारे सामने ये आ गया है दो इमेज। तो सिंपली मैं ये वाइट वाला इमेज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ फोर्थ नंबर पर, जैसा कि देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सिंपली मैं करूँगा यहाँ से राइट पर क्लिक कर लूँगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते जिस बेड्स दिख रहे थे इसको भी अभी रेज करना है। सिंपली इस वाले टूल्स वाले ऑप्शन पाएंगे, इधर से हमें इसको ही सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि देख सकते हो। तो सिंपली मैं इस पर सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको ही रेज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, रेड रेड डॉट कर देना है जहाँ पर उसको रेज करना चाहते हो। तो सिंपली उन्होंने यहाँ से अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमें लिख देना है समूथ, तो फिर यहाँ से जर्नी इमेज पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है। सो दोस्तों हमारे सामने फाइनली जो रिजल्ट देखने को मिलता है, तो मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि देख सकते हो यहाँ से रिमूव हो गया है। दोस्तों यहाँ से फिर से राइट पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने वाले दोस्तों अपने फेस को थोड़ा सा वाइट टून लाना, रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको एक स्किन टून का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करेंगे दोस्तों, और यहाँ से आपको एक कलर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं फर्स्ट वाला कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ऑटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपका मोबाइल में डाटा ऑन होना चाहिए जब ही जाके ये वर्क काम करेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि देख सकते हो। तो ये होने वाले यहाँ से राइट पर क्लिक कर दूँगा, और क्लिक करने के बाद जैसा कि देख सकते हो फिर से अगर राइट पर क्लिक करने के बाद हमारा फोटो कुछ बिफोर एंड आफ्टर ऑफ देख सकते हो, तो कितना चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों सिंपली आपको सिगरेट में थोड़ा सा फायर आग जलाना है, तो दोस्तों सिंपली यहाँ से स्टिकर वाला ऑप्शन पर आएंगे, और यहाँ पर कुछ आपको सर्च कर लेना है, जैसा कि देख सकते हो स्मोकिंग कुछ इस तरह से सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आपको एक PNG मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं ये वाला PNG को यूज़ करने वाला हूँ जैसा कि देख सकते हो, तो थोड़ा सा
इसको ये लाने के बाद यहाँ से दोस्तों मैं आपको पहले रोटेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा इसके ऑप्शन पर। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये एडजस्ट होने के बाद यहाँ इरेजर पर क्लिक करके और इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। दोस्तों सही देखिए तो फाइनली हमारा रियल लग रहा है, जैसे हमने सिगरेट फाइनली जला रखा है। तो यहाँ से राइट से क्लिक करने का दोस्तों, फिर चेक राइट डन कर दूँगा, और डन करने का दोस्तों यहाँ से बैकग्राउंड को अपने को ब्लैक एंड व्हाइट करना है। दोस्तों सिंपली करना है, यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है, और आने के बाद फिर से आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर टैप करेंगे दोस्तों, और यहाँ से आपको करने के सिचुएशन को सिंपली यहाँ से माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे दोस्तों आपने को आपको रेजर दिखाई, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि देख सकते हो तो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। सिंपली होने के बाद यहाँ से आपको एडजस्ट करना है, सिंपली को राइट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और क्लियरिटी को यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और ये होने के बाद यू को भी आप माइनस प्लस कर सकते हो दोस्तों। सिंपली मैं होने के इतना रखने के बाद राइट पे क्लिक करूँगा दोस्तों, और अपने फ़ोटो को सेव कर लूँगा दोस्तों, सिंपली इस पर टैप कर अपने फ़ोटो को सेव कर लूँगा।